गाइस यार मेरे ऊपर यार बहुत तगड़ा बंदा है, मतलब यार कॉन्करर वाला बंदा तो होगा पक्का ही, लेकिन साला उसके फुट स्टेप नहीं समझ में आ रही, लौंडा है कहाँ पे। अब देखो मुझे पता भी नहीं था ये ऊपर था और मैं नीचे था, लेकिन किसी तरह मैंने इसको मार दिया और मेरी एचपी देखो। कुछ भी कहो गाइस लेकिन लौंडा बहुत खतरनाक था, तो मैंने इसको मार दिया लेकिन मेरी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो गई, मतलब मैं भी नॉक होने वाला था। तो गाइस ये हर्ष गेमिंग नामक वाईटी नाम का एक लौंडा था जो कि सामने था, मैंने इसको भी नॉक कर दिया और ये पता नहीं उधर का बोट मार रहा था कहाँ, तो इसका टॉप आरपी पे नाम था तो मैंने इसको भी मार के अपने नाम का रोला जमा दिया। जलवा है हमारा। अब यार गाइस ये वही लौंडा था जिससे मेरी फर्स्ट वाले किल में फाइट हुई थी, और ये ऐसे फ्री फायर दे रहा था तो मैं नहीं गया, जब मैं गया तो ये साला भाग गया नीचे। अब यार गाइस वहाँ पर ख़त्म करने के बाद फाइट में आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैंने एक कोनाक के सामने और उतने में आ गए एक लौंडा रश करते हुए जो कि लेवल वन का हेलमेट पहने हुए था, और मैंने एक फ्री फायर दिया, लौंडा नॉक हो गया। फिर उसके बाद यार गाइस मैं इसको कंधे पर उठाया और ऊपर ले आया, थोड़ा सा हालचाल पूछा, अभी उठ का नहीं रहा है। तो गाइस यार मैंने इसको ऊपर ले आया और फिर मैंने सोचा क्या मतलब है इसके लौंडे आ जाए, मेरी एचपी भी कम है, तो मैंने इसको चक्कू से फिनिश कर दिया, क्या पता इसके टीममेट सामने ही वाले घर में रहे होंगे। गाइस सामने एक लौंडा दिखा, जैसे मैंने उसको मारा वो फिनिश हो गया, मतलब सिंगल ही लौंडा बचा था। तो गाइस यार हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें सामने एक लौंडा दिखा जो कि भाई साहब वो हमको देखते ही वो ओपन में लेट गया, मतलब क्या ही लौंडा था, कम से कम फायर तो करता। और उसके बाद गाइस यार बचा था लास्ट लौंडा, तो लास्ट लौंडे को हमने मार के विनर विनर चिकन डिनर ले लिया, जो कि ये बढ़िया सा इमोट है विक्टर द्वारा जो कि चिकन डिनर पर नया मिलता है, तो बहुत बढ़िया अति सुंदर है, वाह क्या ठुमका लगा रहा था। तो यार गाइस सामने वाले घर में यार दो चार लौंडे थे, तो हमने कर दिया एक मौली, और जैसे मौली किया लौंडे की जल गई पीछे से। अब लौंडा थोड़ा सा उधर भागा और उसके बाद मैंने एक फ्री फायर दिया, लेकिन लौंडे ने लेट कर उसको बुझा दिया। अब यार गाइस यहाँ पर एक लौंडा आ रहा था रस करने ओपन से, और उसके बाद एक लौंडे ने बमबाजी कर दिया था, तो हम यहाँ पर एक को नॉक कर दिया। अब एक के बाद यार सामने वाले घर में भी बंदे रहते हैं, तो हमने उसको भी नॉक करने की कोशिश की और लेकिन वो डैमेज हुआ, और उसके बाद एक और लौंडा पिक करने ही वाला था और जो कर दिया, तो हमने उसको भी नॉक कर दिया। अब दो लौंडों को नॉक करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था, खैर सातवें आसमान पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक किल मिल गया। तो यार गाइस अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमारे एक टीममेट नॉक किया था एक लौंडा, और जैसे मैंने इसको फ्री फायर दिया मेरी एमो खत्म हो गई, मैंने गन बदली और इसको मैंने नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद यहाँ पर ये दोनों फिनिश हो गए। अब यार गाइस फिनिश होने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको एक लौंडा दिख जाता है बहुत दूर, जो कि मैंने इसको पहले से डैमेज दिया, उसके बाद लौंडे ने पता नहीं क्या हुआ लौंडे तलवार चला दिया, मतलब तलवार में जो समझते हो वो डैमेज नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ मैं इसको मार रहा हूँ, इसका हेड भी डेहेड लग रहा है लेकिन साला नॉक का ही नहीं हो रहा है, और बाद में नॉक हुआ मैंने गाड़ी फोड़ दी ऑल डे, मतलब अकेला ही था। अब गाइस यार मैंने उसको जैसे ही मारा मैं आ गया इधर लूटने, लेकिन तभी देखता हूँ उधर एक कैंपर लेटा हुआ है, मतलब समझ रहे हो सांप, ये ऐसे सांप है कि एक स्प्रे में तीन चार स्क्वाड को आराम से ख़त्म कर सकता है, तो मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद मैं और मेरा टीममेट यहाँ से निकल लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने एक लौंडे को नॉक किया, एक लौंडे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, और एक दूर था और एक यहाँ पर भी, तो मैं सोचा क्यों ना ग्रेनेड और आए, इसलिए मैं इधर आ गया, लेकिन इधर तो पहले से मौली आ चुकी थी जो कि इसमें मैं भी मर गया और मेरा टीममेट भी फिनिश हो गया, लेकिन लौंडे को अभी भी सबर नहीं हुआ था, वो वहीं पर था और मौली कर रहा था। तो गाइस यार सामने लौंडे थे तो मैंने एक मौली कर दिया, अब मौली करने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि लौंडा सामने ही बैठा है, और फिर क्या होगा मेरे मौली से लौंडा जल गया। फिर मैं चल दिया रस करने, तभी दिख जाता मुझे बंदा और मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब इस वाले घर में मैंने सोचा और लौंडे ना होंगे क्योंकि ये अकेला ही होगा, लेकिन इस वाले घर में और लौंडे थे, तो उसके बाद मैंने इसको लूटा और एक और मौली किया, और ये मौली से भी एक लौंडा नॉक हुआ जिसका नाम था क्या डेंजर। तो गाइस यार जैसे ये नॉक हुआ मैं इस ऊपर गया, मैंने सोचा चलो इसको भी फिनिश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर साला मेरी मौली मुझे ही डैमेज करने लगी, मैं आ गया गाइस यार नीचे, उसके बाद ये बंदा फिनिश हो गया। अब मैं वहाँ पर दूर मार रहा था जो कि एक लौंडा नॉक था, अब यार जैसे उसको मैं मार रहा था तभी आ जाते हैं पीछे से लौंडे, वो भी कितने लौंडे, तीन से चार लौंडे आ जाते हैं, तो अभी देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। मैं जैसे उसको मारा वो तो नहीं फिनिश हुआ, लेकिन यहाँ पे तीन चार लौंडे का फुट स्टेप आने लगा, और ये वाले लौंडे को मैंने किसी तरह नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद मेरे पास एमओ की भी कमी थी, और इस लौंडे ने मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया उसके बाद मेरी एक गन की एमओ ख़त्म हो गई, जो कि इसके और लौंडे आ रहे थे, तो मैं सोचा पहले मैं मारूँ तो किसको मारूँ, अगर इसको, लेकिन मुझे पता ही नहीं था और ये शैडो फोर्स आ गया, मेरे पास वो तलवार भी थी।
अगर मैं चाहता तो तलवार का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उतनी समय साला मेरा दिमाग की अय्या भैया हो गई और लौंडों ने मौली कर दिया वहीं पर जहां मैं था। तो यहां पर मैं भी फिनिश हो गया।